डीएनए में अब हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की कॉमेडी वाली पत्रकारिता का डीएनए टेस्ट करेंगे। आपको लग रहा होगा कि पत्रकारिता जैसे गंभीर विषय के साथ हम कॉमेडी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये वीडियो विश्लेषण तैयार करते वक्त हमने पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर गंभीरता और देशहित वाली रिपोर्टिंग को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन हर बार हमें फूहड़ और स्तरहीन पत्रकारिता के ही दर्शन हुए। आपको बता दें कि जिस तरह भारतीय मीडिया में डिजाइनर पत्रकार बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, उसी तरह पाकिस्तान के मीडिया में कॉमेडी करने वाले पत्रकारों की संख्या काफी ज्यादा है। हमें लगता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सामाजिक जलवायु पत्रकारों की ऐसी प्रजातियों का पोषण करती है जो या तो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं या फिर अपने ही देश के हालात का मजाक बना डालते हैं। भारतीय मीडिया में डिजाइनर पत्रकार और पाकिस्तानी मीडिया में ड्रामेबाज पत्रकार बड़ी संख्या में है, इसलिए स्वच्छ मीडिया अभियान के तहत आज हमने इस विषय पर एक जरूरी डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया है। जो तस्वीर उसमें पाकिस्तान के मशहूर न्यूज चैनल जियो टीवी का एक पत्रकार भैंसों का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा है। ये पत्रकार न सिर्फ भैंसों से सवाल पूछता है बल्कि ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे ये भैंसों की बात समझ रहा है और ये जानवर इसके सवालों का भी जवाब दे रहे हैं और इसके सवालों को समझ भी रहे हैं। परेशानी यह है कि पाकिस्तान में जो पत्रकार फूहड़ता दिखाता है उसे हीरो बना दिया जाता है, जबकि जो पत्रकार अपनी मीडिया और सरकार पर सवाल उठाता है उसका शो बंद करा दिया जाता है। ये डीएनए टेस्ट भारत में फैंसी पत्रकारिता करने के शौकीन डिजाइनर पत्रकारों के लिए भी एक सबक है, क्योंकि जो पत्रकार देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते वो एक दिन जनता के लिए मजाक बन जाते हैं। लाइव रिपोर्टिंग को स्टैंड अप कॉमेडी में बदल कर रख देने वाले पाकिस्तानी मीडिया पर आधारित हमारा ये डीएनए टेस्ट पत्रकारिता के उन छात्रों को आज जरूर ध्यान से देखना चाहिए जो पत्रकार बनने के बाद डिजाइनर और ड्रामेबाज पत्रकारों से दूर रहना चाहते हैं। ये कदम जो है ये शहर से काफी दूर तो बात मेरे मारूंगा। पाकिस्तानी सलमान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। आप अभी पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है या मुश्किल? कहते हैं कि जब किसी की मौत आती है तो यमराज भैंसे पर सवार होकर आते हैं, लेकिन जब किसी देश में पत्रकारिता की मौत होती है तो रिपोर्टर भैंस की सवारी करने लगते हैं, उसका इंटरव्यू करने लगते हैं। आप अभी पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है या मुश्किल? पाकिस्तान के जियो न्यूज के पत्रकार अमीन हाफिज फुटओवर ब्रिज से नीचे उतरने वाली भैंस से सवाल कर रहे हैं। शायद ये कहने की कोशिश कर रही है कि किसी भी जानवर के लिए सीढ़ियां चढ़ना या सीढ़ियां उतरना आसान नहीं, मुश्किल काम है। पाकिस्तानी मीडिया द्वारा पत्रकारिता का मजाक उड़ाए जाने की ये तस्वीरें कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान के पत्रकारों को अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती से फर्क नहीं पड़ता, तभी तो वहां के कुछ पत्रकार बेतुकी सतही और हास्यास्पद पत्रकारिता के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ऐसे ही पत्रकारों में से एक हैं अमीन हाफिज। इस बकरे की कीमत 20,000। तो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये तमाम लोग, मेरी तरह एक्सरसाइज करें ना जी, ये एक्सरसाइज हो रही है जिंदा दिलाने लाहौर, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर सड़कों पर निकल आए हैं। तो यहाँ पर नाश्ता करने आई, आप बताओ आप घर पे नाश्ता नहीं करती हो? ऑमलेट थी, ब्रेड था और साथ जैम और बटर भी था। और आपने तो लगता है टका के सब कुछ खा लिया होगा। बेटे आप यहाँ पर क्या करने आते हो? मैं यहाँ पर लस्सी पीने आती हूँ। वो इतने मोटे और अभी भी लस्सी पीके और मोटे हो जाओगे। हम उनसे बात करते हैं कि वो अपने बेड पे सोने की बजाय ये एक्सरसाइज ही क्यों करवाते हैं? आपका नहीं दिल करता इतने प्यारे मौसम में आप बेड पे रजाई लेके सोए रहे हैं? ग्राहक रेट पूछ कर घबराए ना तो और क्या करें। मार्च 2016 में पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा ने भारतीय मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए अपने देश के पत्रकारों को सलाह दी थी कि वो भारतीय मीडिया की तरह दायित्वहीन रिपोर्टिंग न करें, लेकिन शायद पैमरा अपने न्यूज चैनल्स को देखती तक नहीं, तभी तो वहाँ के पत्रकार मीडिया को चिड़ियाघर बनाने पर तुले हैं। तो बात मेरे पर करेगा छितर मारूंगा, कोई लत छोड़ी नहीं।
बगैर घटिया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अफ्रीका लोग जो है उनकी जमीन से यूसुफ यहाँ पर जो पाकिस्तानी सलमान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। इनका ये कहना है ये बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त है क्योंकि इनके हीरो जो हैं वो उन्हें सजा हो गई है 5 साल के लिए और ये इतने दिल बर्दाश्त हुए कि एहतजाजन अपनी गिरफ्तारी देने के लिए वो थाना हाजीपुरा में पहुंच चुके हैं। यहाँ आके उन्होंने बाकायदा तौर पर SHO के कमरे में आया, उन्होंने बोला कि यहाँ मुझे हिरासत में लिया जाए और हवालात के अंदर डाला जाए। आप क्यों आके दिल बर्दाश्त हो गए यहाँ हवालात में आ गए? आपके मेरे सलमान खान जेल में हो और मैं बाहर हूँ। पाकिस्तान में पत्रकारिता का सामूहिक शोषण किया जा रहा है। उर्दू में पत्रकारों को सहाफी कहा जाता है लेकिन पाकिस्तान में पत्रकार यानी सहाफी खुद अपने पेशे का मजाक उड़वा रहे हैं। आप अभी कभी भैंस का इंटरव्यू लेकर, कभी कब्र में रेंग रेंग कर रिपोर्टिंग करके, तो कभी छोटे बच्चों से अपना मजाक उड़वा कर पाकिस्तानी पत्रकार मीडिया को मस्ती मजाक और स्तरहीन पत्रकारिता का अड्डा बना रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के ज्यादातर पत्रकार सरकारी पैसे पर हज यात्राएं करते हैं और दूसरी सहूलियतों का फायदा उठाते हैं, लेकिन जब कोई ईमानदार पत्रकार पाकिस्तान के डिजाइनर पत्रकारों से सवाल करता है तो सब मिलकर उसका शो बंद करा देते हैं। जिस मुआशरे के अंदर बदमनी हो, महंगाई हो, बेहिसी हो, बेरोजगारी हो, उस मुआशरे के अंदर अच्छी बातें कैसे आसमान मुआशरे की पुकार पर करप्शन से मुतालिक बहुत प्रोग्राम किए मगर शायद ये महज इत्तेफाक था कि उन्हें हालिया हज करप्शन स्कैंडल से मुतालिक प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला। अच्छा प्लान लेना गलत है, बिल्कुल गलत है, करना जायज है, बिल्कुल जायज, सरकारी पैसे, आवाम के पैसे जो सैलाब के मुतासरीन है उनको एक एक रुपए को तरस रहे हैं और आप जो है लाखों रुपए का हज कर इसलिए मुफ्त में ना। मैं बिल्कुल मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि आप अपने जाती पैसे क्यों नहीं लगा। अगर आप मुझे बात करने की इजाजत बताए तो आप मुझे मैं आपको ये एक्सप्लेन जरूर करना चाहती हूँ कि मैं आपसे बार बार ये बात कह रही हूँ कि अगर मुझे ये इल्म होता कि ये इस तरह है तो मैं शायद अवॉइड करती हूँ। आपने कहा मैं सर्कमस्टांसेस नहीं, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे इसका इतना इल्म नहीं था कि ये हुआ। और आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं? नहीं, इसमें गलती मैंने कोई नहीं की, ये हज करना कोई गलती नहीं है। जो साहब ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, बहुत अच्छे सवाल किए, कुछ बताएंगे कि इस दफा ये रहमानी हाजियों की फहरिस्त में बल्कि पहले आप जो गए थे आपको कैसा महसूस हुआ सरकारी खर्चे पे आज? अपॉर्चुनिटी की बात है ना, आपके अपने कुलीग्स गए, हमारे और बहुत सारे जर्नलिस्ट गए, मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को गेन किया सिर्फ इसलिए कि मुझे इजीली उसके आपके ख्याल में इसमें कोई अनएथिकल या गैर अखलाकी बात नहीं सहाफी के लिए? अगर आप कौम के अखराजात के पैसों से अगर आप करते हैं तो हज नहीं होता ना। आपको चाहिए ये कि अगर आप फैसिलिटेट होना चाहते हैं आप भी बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं। ये है पाकिस्तान के पत्रकार मतीउल्ला जान। 2011 में इन्होंने पाकिस्तान के डॉन न्यूज चैनल पर अपना गरेबा नाम से कार्यक्रम शुरू किया। मतीउल्ला अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के डिजाइनर पत्रकारों से कड़वे सवाल पूछते थे। काफी लोग कहानियां लिखते हैं, खबरें देते हैं, किसके लिए? किसी बड़े अफसर या किसी सियासतदान के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए, लोगों के लिए। और अगर हम सरकारी अखराजात और मराहत का फायदा उठाएंगे तो लोग उस बारे में क्या सोचेंगे? मतीउल्ला के कार्यक्रम अपने गरेबा को पाकिस्तान के आम लोग भी खूब पसंद कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान का ये पत्रकार अपनी ही मीडिया की पोल खोल रहा था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी पत्रकारों के गैंग ने मतीउल्ला का ये शो नहीं चलने दिया और उसे बीच में ही बंद करा दिया। ये चला जाएगा या इस तरह ऑफर्स कबूल करेगा गवर्नमेंट की तो मेरे ख्याल में पंजाबी में जिसको कहते हैं काणा हो जाना, मीडिया काणा हो जाएगा। अगर सहाफियों को इस तरह के ऑफर दी जाती है, अगर वो अवेल करते हैं तो डेफिनेटली दे हैव टू बी प्लेइंग एक्टिंग लाइक अ पपेट्स। मेरा हाल है कि हज जो है ना ये अपने एक्सपेंसेस पे करना चाहिए। जहां भी आप लोग थोड़ा बहुत भी शेयर किसी से लेंगे ना शक का दरवाजा खुल जाता है। यानी पाकिस्तान में मसखरे रिपोर्टर्स को तो चैनल्स का चेहरा बना दिया जाता है लेकिन गंभीर सवाल उठाने वाले पत्रकारों को पाकिस्तान के डिजाइनर पत्रकार काम नहीं करने देते। एफ का आपको कहा गया तो आप शहजादा नाइफ की दावत समझ कर गई, तो शहजादा नाइफ और रहमान मलिक में फर्क क्या है? मैं तो आपको पहले कह रही हूँ कि इस पे तो कोई फर्क नहीं होता। जैसे सरकारी इदारे हज पे लोगों को भेजते हैं इसी तरह से सरकारी अगर सरकार को जर्नलिस्टों को भेजना चाहती है, हाँ बार बार जाना एक अलग सवाल है।
जो लोग बार बार उस तैयारी पे सवार होते हैं वो मेरी लाइलमी, मैं अपनी लाइलमी यहाँ पे कहती हूँ कि मैं वाकई उसके बाद बहुत से एतराजात भी उठे और शायद पिछले 10 साल में सिर्फ यही एक एतराज था जो मुझ पे उठा है वो भी हज के नाम। आप इसके लिए आपको शर्मिंदा है या मैं नहीं? शर्मिंदा कतन नहीं हूँ, हाँ अलबत्ता मैं ये सोचती जरूर हूँ कि अगर मैं खुद चली जाती तो ज्यादा मुनासिब होता। लेकिन कश्मीर और आतंकवाद पर पाकिस्तानी मीडिया की फ्रीक्वेंसी पकड़कर अपने ही देश की सेना पर सवाल उठाने वाले भारत के डिजाइनर पत्रकारों को ये समझना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान और वहाँ की मीडिया से प्रेरणा लेंगे तो एक दिन वो भी मजाक का पात्र बन जाएंगे। 30 किलो वजनी इस बकरे की। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो आपने देखा जो पाकिस्तान में पत्रकार ड्रामा करते हैं वो आराम से रिपोर्टिंग करते रहते हैं और मीडिया में चमकते रहते हैं, स्टार बन जाते हैं, लेकिन जो स्तरीय पत्रकारिता करते हैं, पॉजिटिव अच्छी पत्रकारिता करते हैं, लोगों से मुश्किल सवाल पूछते हैं, उनके शो बंद करवा दिए जाते हैं। यानी मुश्किल सवाल पूछना कहीं भी आसान नहीं है, न भारत में और ना ही पाकिस्तान में। इन दिनों पत्रकारिता में गुट बनाकर मैच फिक्स करने की प्रवृत्ति शुरू हो गई है, जो एक खतरनाक संकेत है। इसे आप पत्रकारिता में कार्टेलाइजेशन भी कह सकते हैं। कार्टेलाइजेशन मतलब जब पत्रकार अपना एक गुट बना लेते हैं अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। और भारत में भी बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो कि अपना एक गुट बनाते हैं, फिर अपना एक एजेंडा सेट करते हैं और फिर वो तमाम पत्रकार ये तय करते हैं कि देश भर के बड़े न्यूज चैनल्स पर और बड़े बड़े अखबारों में कौन सी खबर छपेगी और कौन सी खबर दबा दी जाएगी। और ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। और जो दूसरे पत्रकार होते हैं जो कभी सिस्टम के खिलाफ बात करने की जरूरत करते हैं या फिर देश की बात करते हैं, ऐसे बड़े गुट उन पत्रकारों को दबाने की कोशिश करते हैं।